नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी पैन कार्ड बनाना चाहते हैं कि अंडर 5 मिनट में, यानी 5 मिनट से कम भी समय में कैसे हम लोग अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। सो गाइस, यार आपको अपने क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है इनकम टैक्स, ठीक है। जब आप इनकम टैक्स लिखकर सर्च करोगे तो आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का नाम है www.incometax.gov.in। दोस्तों जब यहां पर आप क्लिक करते हो तो आप इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। इस वेबसाइट का इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सो मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इंस्टेंट ई पैन, पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वेबसाइट आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाती है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो किए जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन है, बट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिस पर लिखा गया है गेट न्यू ई पैन, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने मेन ऑप्शन पर। यहां पर आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर ऐड करना है, यानी कि यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर हो वो आप यहां पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहां पे चेकबॉक को टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगी, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस आपको टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक OTP, यानी कि OTP फिल करने का बॉक्स नज़र आता है। तो आपको OTP उस मोबाइल नंबर पर जाएगी, ठीक है। आपकी OTP जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक किया गया है, तो यहाँ पर आप वो OTP फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर में क्या है, मतलब सारी चीज़ें, और आपका आधार नंबर भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर ऐड किया गया वो भी शो हो रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेकबॉक को टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक जैसे ही आप करोगे आपकी जो रिक्वेस्ट हो जाएगी वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ब्लू टिक जैसा नज़र आ रहा होगा जिसे लिखा गया है योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। दोस्तों यहाँ पर एक आपको नंबर मिला है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ सर्च करना है इनकम टैक्स, और पहले वाले वेबसाइट पर चले जाना है जो आपको नज़र आएगी www.incometax.gov.in, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको शो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंस्टेंट ई पैन का, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने फिर से वही पेज ओपन होगा, बट यहाँ पे इस बार हम लोग कहाँ पर जाएंगे, चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP फिर से जाएगा, उस OTP को फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो जो स्टेटस है वो यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है ये मतलब रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको मैक्सिमम 1 आवर्स का वेट कर लेना होगा। 1 आवर के बाद यहाँ से आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में आ रही है, बट यहाँ पर जब सक्सेसफुली हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।